गर्मियों में बनने वाली ऐसी चीज जो एक बार बनाओगे तो 5 से 6 दिन तक स्टोर करके खाओगे, और मेरे यहाँ तो इसका स्टॉक कभी भी खत्म नहीं होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लॉन्जी की, जो कि कच्चे आम से बनती है और बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। तो चलिए बनाते हैं मेरी मम्मा के स्टाइल में आम की लॉन्जी। तो इसके लिए सबसे पहले लेना होगा 1 चम्मच तेल, जिसमें पड़ने वाले हैं कुछ खड़े मसाले, जैसे 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सौंफ, 1/4 चम्मच कलौंजी, 1/4 चम्मच मेथी दाना, 1/4 चम्मच हींग और 1/4 चम्मच अजवाइन। इन सभी को अच्छे से खुशबू आने तक सेक लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे कच्चा आम। मैंने यहाँ पर 2 आम को छील कर लंबा लंबा काट लिया था, देन उसका इस्तेमाल किया है। इसे भी 2 मिनट तक पका लेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच नमक। मिलाने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। मैंने यहाँ पर 1 कप गुड़ का इस्तेमाल किया है, इसमें बहुत ही अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आएगा। और वो इसमें डालने के बाद इसमें पड़ेंगे कुछ सूखे मसाले, जैसे कि 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच काला नमक और 1/2 चम्मच चाट मसाला। मिक्स करेंगे और इसे ढक कर नरम होने तक अच्छे से पका लेंगे। एंटर हमारी चटपटी मसालेदार आम की लॉन्जी बनकर तैयार हो चुकी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।